अरे अंकल, बुरे अंकल, राम राम है रही है। और अंकल आज अचानक कानपुर में अभी तक? बस ठीक ही है। मेरी बच्ची जो है वो कच्चे बनियान के साथ खुश है, वो अपनी अम्मा के साथ खुश है, लेकिन मेरी बीवी ने एक अजीब सा तोता पाल रखा है आजकल। कौन सा तोता? या तो वो हमेशा भोजन करती रहती है या भजन करती रहती है, इसके अलावा कुछ करती ही नहीं है। अंकल भोजन करती है तो बाद में कसी न कसी तो करती होगी। मेरा मतलब है अंकल की क्या बताओ कि समस्या क्या है रही है? समस्या ये है लौंडे कि नोबडी लव्स मी। सब अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि बस कोई प्यार ही नहीं करता मुझसे। अरे अरे अंकल डोंट इमोशनल, ये क्या बात कर रही है आपने? सही कह रहा हूँ लौंडे, सही कह रहा हूँ, कोई प्यार नहीं करता मुझसे। अगर मैं मर भी गया ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंकल कैसे नहीं पड़ेगा? मुझे फर्क पड़ेगा। अबे तुझे क्या फर्क पड़ेगा? अरे भूरे अंकल, मरने से पहले मेरे 750 रुपए दे देना। अरे मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। अरे मैं भागने की नहीं, मैं मरने की बात कर रहा हूँ। इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, मैं फिक्र मत कर तू। आप ही आदमी है, इतनी जल्दी थोड़ी जाएंगे दुनिया से। मेरा मतलब है अंकल कि हो तो है, जब उम्र ही ऐसी होती है कि कोई हमारे साथ में ना हो तो है। हाँ ये बात तो है। ठीक है मैं सच बताऊं, मैं आजकल अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ, बहुत अकेला। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम है ना तुम्हारे पास? हाँ बेटा तू है, तू है तो सही बेटा, लेकिन तू हर कमी तो पूरी नहीं कर सकता ना। अंकल ऐसी कौन सी कमी है रही है आपकी उम्र में जो पूरी ना है रही है? बकवास मत कर, अपना काम कर, समझा? अंकल आपकी जस्ट सिचुएशन पे है ना, मुझे को एक बात याद आ रही है। कौन सी बात? एक बार कहा है कि हम एक होटल में गए थे। अबे साले भुतनी के राजपाल के लौंडे, कसम खा के कह रहा हूँ, कसम खा के कह रही हूँ कि फोन में घुस के ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ मारूंगा कि तेरा मुंह 180 डिग्री पे घूम जाएगा। देख मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, ये आखिरी वार्निंग है, वरना तू अच्छी तरह से जानता है कि टिल्लू किस तरह से गुर्दे छीलता है। आई समझे? चल फुरक साला। क्या लौंडो एक बात कहूँ यार, तुम राजपाल के लौंडन से है ना, जितनी भी चाहे बदतमीजी कर लियो, लेकिन राजपाल बुजुर्ग आदमी है, वहां से बिल्कुल बदतमीजी मत करियो। ठीक है? काहे को मेरे भैया, तो की तबियत ठीक है गई? सारे एक बात बता, तूने अचानक से जिस संस्कारन का थैला कहाँ से खोल लो यार? ओ बदतमीजी की आखिरी नस्ल, हम तीनों में सबसे ज्यादा बदतमीज तो तू है मोटे गेंडे। माइंड योर लैंग्वेज, तमीज की पदा मेरे सारे बकवास कर रहे हो। मेरी बात सुन, पूरा मोहल्लो जानते है कि मैं कितनो तमीजदार आदमी हूँ। आई एम लवेबल बॉय। एक बात बोलूं, आप लवेबल बॉय ना हो, आप हॉरेबल बॉय, हॉरेबल। सुन मेरी बात। हाँ जा, बात को मैं प्रूव कर दूंगा प्यारे कि मोहल्ला में सबसे ज्यादा लवेबल बॉय कौन है, देख लियो तू। भैया का बात कर रहे हो, लेकिन तू प्रूव कैसा करेगा? सुन सुबह तक मॉडर्न कॉलोनी के लोगों में जा खबर फैला दे कि टीका कहीं गायब है गया हुआ है, फिर देख खलबली मच जाएगी मॉडर्न कॉलोनी के लोगों में। लोग भागेंगे, दौड़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। अंगूरी भाभी सही पकड़े चिल्लाना बंद कर देगी, और तिवारी भैया कच्छे में नाला डालना बंद कर देंगे, और विभूति भैया जो है ना वो सदमे के मारे भीख मांगना शुरू कर देंगे कि टीका कहाँ गायब है गए, और मोहल्ले की सारी लड़कियां ने ना अपनी चूड़ियां तोड़ देगी कि टीका कहाँ गायब है गए। तू देख तमाशो देख। क्या कर रहे भिखारी? भगवान के नाम पे दे लो मालिक। और विभूति भैया चाय पीजिए। नहीं भैया मैं चाय कॉफी नहीं पीता हूँ। आप चाय कॉफी क्यों नहीं पीते हैं? भैया मेरा ये मानना है कि जो लोग भी चाय कॉफी पीते हैं बहुत बड़े कामचोर होते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि मैं कामचोर हूँ? भैया ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तो पूरा जमाना कहता है। एक्चुअली आप तो काम चोरों के रोल मॉडल हैं,
मुझे लगता है कि हजारों कामचोर जब मर जाते होंगे उसके बाद आपके जैसा एक कामचोर पैदा होता होगा। आई लाइक विभूति भैया। मोटे कर मोटे कर मोटे कर। विभूति भैया रोने के लिए तो मुंह बनाने पड़े को। ये बता हुआ क्या? गजब हो गया सेठ जी, गजब हो गया। अरे तुम लोग अपनी मनोज चकले लेके यहाँ पे आ गए, इससे बड़ा गजब और क्या हो सकता है? That's right, सक्सेना जी। विभूति भैया टीका में छोड़ के चलोगो? टीका तुम्हें छोड़ के चला गया? सिर्फ हमें छोड़ के ना गया, वो कानपुर शहर छोड़ के चला गया सेठ जी। पर टीका तुम्हें छोड़ के चला गया और तुम लोग रो रहे हो? पर कमबख्तों। तो भैया का करे, अब मंगल गीत गाए? अबे मंगल गीत मत गाओ, अबे डीजे को बुलाओ, सेलिब्रेट करो। पर तुम में से एक मनुष्य कम हो गया, धरती का बोझ कम हो गया बे। ये कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? अबे हिंदी बोल रहे हो? हिंदी थोड़ी देर के लिए जज्बात की रुई के कानों से निकालो और अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और ये सोचो और समझो कि टीका नाम का प्राणी एक नंबर का दलिद्दर था। दलिद्दर? आई लाइक इट। वैसे भैया ये दोनों भी तो दलिद्दर हैं। ये दलिद्दरों के साथ रहेंगे दलिद्दर हो जाएंगे। अब देखो निकल गया, अब दलिद्दर नहीं रहेंगे, ये देखना। विभूति भैया ऐसा मत ना बोलो, टीका हमारी जान है। तो अबे टीका जी का जंजाल है तो वो हमारी ढाल था। अबे वो गेंडे की खाल था। गेंडे की खाल, आई लाइक इट। भैया टीका यारन को यार था? नहीं, वो फटी हुई कमीज और सलवार था। उस आदमी के दिल में एक दर्द था, एक सोच था। अबे वो धरती का बोझ था, बोझ था। भैया टीका एंटरटेनमेंट को बाप था? नहीं, वो बाप नहीं, वो पाप था। टीका हमारी दोस्ती का शरबत था। टीका कूड़े करकट का पर्वत था। कूड़े करकट का पर्वत, आई लाइक इट। अरे 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 अरे, इतना जलील तो मुझे कभी मेरे कर्जदारों ने भी नहीं किया है जितना लड़के ने कर दिया। ओहो हो, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होनो है तो अंकल, वह लौंडे है ना टिल्लू मलखान, हमारे मुंह के इज्जत की और भी धज्जियां उड़ा दी। बेटा तूने जो गलत फहमी के रेत पे जो इमारत बनाई है ना, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये फालतू की बकवास है, तुम दोनों बंद करो, समझ गए? ये नल्ले विभूति भैया और पगलेट सक्सेना भैया के कहबे से है ना, ये प्रूव ना आ जातू है कि मेरी कोई वैल्यू ना है, समझ गो? अच्छा तो आदरणीय टीका जी आप ही बता दिए कि किसके कहने से आपकी वैल्यू है? तिवारी भैया। ओ अंगूरी भाभी, वहां से जाके कह एक बार, क्योंकि आंखों को तारो, राज दुलारो, छोरियन को प्यारो, टीका मोहल्ले से गायब है हुआ है, फिर देख। ठीक है भैया, तेरी बात बड़ी कर देते, हाथ कंगन को वारसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, तो भैया जे बात ना हम तिवारी भैया और अंगूरी भाभी उनसे भी कह देते हैं। कह दे जाके भैया, वह दोनों है ना मोको बहुत मानते हैं, अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करते हैं मोको, आपको क्या के देख एक बार, देख कितनी बुरी हालत हो जाएगी दोनों की, क्या के देख। लड्डू के भैया एक बात बोले का? बोलो पगली। हमको ना घर के बाहर कहीं भी घूमना अच्छा नहीं लगता है। तुम बिना पगली बड़ी अजीब हो, जब तुम्हें बाहर नहीं ले जाते थे तो तुम कहती थी बाहर नहीं ले जाते, बाहर नहीं ले जाते, अब बाहर लेकर आए तो तुम कह रही हो कि घर याद आ रहा है, काहे? हाँ वो तो है, लेकिन क्या करे, हम एक तो घरेलू महिला है ना, हमको हमारा घर ही हमारा संसार है। अरे क्यों कहानी को डेली सोप की तरह खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, सीधा मुद्दे पे आना। जब टिल्लू और मलखान मेरी बच्ची अंगूरी के पास गए होंगे तो बेचारी परेशान हो गई होगी, वो तुम्हें ढूंढने के लिए भाग रही होगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि घरेलू महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती? घरेलू महिलाओं का तो पता नहीं सेठ जी, लेकिन हमारा टीका घर से बाहर निकल गया है और खो गए।
भाई इन पे तो कोई फर्क ही ना पड़ लिया यार। तिवारी भैया अंगूरी भाभी टीका अचानक गायब हो गो, पता नहीं कहाँ चलो गो। कसम खा के कह रही हूँ मुझे तो डर सा लग रहा है, कहीं उस मासूम बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो जेठ जी। फिर का है एक तो बात ये भी है कि जो बेचारी घरेलू महिलाएं होती है ना उनको अपनी घर गृहस्थी के अलावा कुछ ना ही पता होता है, बाहर का तो सब मर्द ही देखते हैं। अंगूरी भाभी तिवारी भैया टीका खो गो। एक मिनट मेरे मेरे शादी की एड देखनी है। अरे भाई तो मेरे ब्याह था करना है, ब्याह था देखना है। एक मिनट सर मैंने देखना तो मेरी शादी की मेरी अपना ब्याह देखना है, कुड़ी का एड आई हुई है। अरे मैंने देखना, अरे मैंने नहीं नहीं मुझे देखने दो जरा। अरे मुझे मैंने देखने दे तू यार खोते तो पुत्र है तू यार रहने दे तू पंजाबी में गाली दे रहा। अरे पता तू मैंने देखने दे जरा पे पूरा देखने दो। पगली देखना एक दिन हमने तुम्हें स्विट्जरलैंड लेके जाएंगे पगली ठीक हुआ। अरे सेठ जी तुम्हें स्विट्जरलैंड जाने की पड़ी है या टीका हाथ से निकल के ध्यान क्यों ना दे रहे हो? तेरी सालत जब से फालतू की बकवास करके डिस्टर्ब कर रहा हूँ। डोंट डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर नहीं डिस्टर्ब होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं हम नहीं जानते कौन हो टीका विका को, चलो भागो यहाँ से। सेठ जी मैं अपने टीका की सारे छह महीने की तनख्वाह एक ही बारी में मिल गया। हम कहाँ से चले आते हैं? मधु से साले मैं देख रहा देखने दे। आए, 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 आए। क्या बोल लिया था तू कि अंगूरी भाभी सुन के बेहोश हो जाएंगी और भैया तिवारी भैया सदमे में आ जाएंगे। यार कसम खा के कह रही हूँ ठीक है, बुरा मत मानियो मेरी जान, बुरा मत मानियो, लेकिन मॉडर्न कॉलोनी में तुझे कोई कुत्ता भी नहीं पूछता सिवाय मलखान के। हाँ क्या बात तो साबित हो जाएगी प्यारे। कैसे? तू देखियो कल सुबह जब सब लोग जा रहे हैं ना हाँ? तो टीका को अपने साथ में न पाकर हाँ? सब लोग भर्रा जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी, धमा ले जाओगे, सब पूछेंगे टीका कहाँ गो, हमारो हैंडसम टीका कहाँ गो, फिर देख तू तमाशो। अच्छा कहाँ गो, तब तक फिर भैया ऐसा है मुंह छुपा ले। अरे सॉरी गाइस आई एम लेट चलो 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 चलो। हाय दिया अनीता जी कहाँ हैं? भाभी जी वो यहाँ नहीं है। अरे उन्हें कहाँ भेज दिया? बड़ी गलत बात है, उन्हें भेज कर यहाँ पर आवारा गर्दी करना चाह रहे हैं। शट अप तिवारी जी। जी आदमी बेतुकी की बातें करते हैं। मैं और मैं भाई होता कौन उसे भेजने वाला? हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, तू होता कौन है बे भाभी जी को भेजने वाला, उल्टा भाभी जी तुझे लात मार कर भगा देती है। यार बस कर यार, पीछे पड़ गया हाथ धो के ये तो आदमी। लेकिन भरभूति जी अनीता जी गई कहाँ? भाभी जी वो किसी मीटिंग में गई है। अरे मोरी मैया भाभी जी टीका नहीं मिलो। नहीं मिला तो का हुआ, उमे का कौन सा बड़ा बात है। ठीक कह रहे हैं भाभी जी, अब चला गया है तो कोई बात नहीं, अरे तुम लोग खुशियां मनाओ, वैसे था भी बहुत बड़ी पनौती, अच्छा हुआ चला गया। डॉक्टर साहब तुम हो तो अदरक की गांठ लेकिन बहुत बड़े वाले हो, अरे तुम हमारे दोस्त के बारे में ऐसा बोल रहे हो यार, तुम आदो होना चाहिए। अबे ओ, कितना उधार माफ कर दिया उसने, चाट रहा है आप। उधार के उधार में डूबो गया भभूति जी। और सच्ची बात तो मानना पड़ेगा। हाँ उका है ना कि हमको ना टीका बहुत ही खर्चीला पड़ता था, उका खुराक कितना ज्यादा था पता है? भाभी जी वो खाने को बैठता था भाई को उठता नहीं था, उठाया जाता था, 10-10 आदमियों का खाना एक साथ डकार जाता था कमगात। यार मोको तो ऐसा लग रहा है कि टीका को श्रद्धांजलि दे रहे सब। अच्छा हुआ चला ही क्या, बहुत अच्छा हुआ, वेरी नाइस। भाभी जी पूरी दुनिया मुझसे नफरत करे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपने भी मौको दुत्कार दो। टीका
इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि तुझे मॉडर्न कॉलोनी में कुत्ता भी नहीं पूछता यार, कुत्ता भी। इसका मतलब ये है कि तू मोहल्ले की सबसे बड़ी चिरांद है, एवरीबडी हेट्स यू, तू गंदे नाले में जा और डूब के मर जा। That's a better idea. That's a better idea. सही आइडिया है। मुझसे कोई प्यार न करते हुए नो, बिल्कुल मुझसे सब नफरत करते हैं। या राइट है ना? यस, आई हेट यू गाइस। अब मैं मरने जा रहा हूं, सुसाइड कर रहा हूं मैं। अरे जाना बाबा, करना सुसाइड, जाना जा रहा हूं मैं। अरे जाना सुसाइड करने जाना बाबा, जा 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 जा। अरे जा 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 अबे लौंडे, तो हमारे मोहल्ले के लौंडे हो बे, सब तुम लौंडों को बहुत प्यार करते हैं। वी ऑल लव यू मैन। वो बात अलग है, सब लौंडे बड़े कमीने हैं। टीका, तुम हमारे भाई जैसे हो। वो तो कहना कि हमको पता चल गया था कि तुम लोग मिलकर नाटक कर रहे हो, इसके लिए हम कोनो प्रॉन्स नहीं दिए। भाभी जी, प्रॉन्स हम खाते हैं बड़े शौक से, आपसे रिस्पॉन्स करना चाह रही है। सही पकड़े हैं सर। एक मिनट प्लीज, प्लीज सर एक मिनट, एक ग्रुप फोटो हो जाए प्लीज। रेडी, 1 2 3। अरे अंकल जी, ऐसे कछु ना है कि कोई आपसे प्यार ना करता है। नहीं नहीं नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई प्यार नहीं करता। अरे अंकल जी, आपकी गलतफहमी है रही है। जब मोहल्ला के लोग, ये पूरे मॉडर्न कॉलोनी के लोग है ना, आपको भूरे अंकल कहते हो ना थकते। अरे खाली मुंह पे बोलते हैं सबके सब, मैं जानता हूँ, खाली मुंह पे बोलते हैं। अरे किसी को मेरी कुछ नहीं पड़ी है यहाँ पर। नहीं 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 अंकल, नहीं नहीं, अभी साबित है जागो कि कोई आपको प्यार करतो है कि ना करतो है। कैसे अंकल जी, जा टाइम पर मोहल्ला के कुछ लोग है ना चाय पीने के लिए आते हैं, अभी आएंगे पता चल जाओगे। आप एक काम करो। क्या? आप है ना इधर बैठ जाओ। क्या मेरा मतलब है अंकल? अरे अंकल, अब ये पेपर पकड़ो, पेपर पकड़ो, अब इधर आओ, इधर आओ अंकल जी, यहाँ पर। हाँ यहाँ पकड़ो, पेपर पूरा खोल लो, पूरा खोल लो अंकल जी, और अपने आप को ढक लो, कवर कर लो जैसे। हाँ, शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। हाँ ठीक है, है ना। हाँ, अंकल वो आएंगे ना। हाँ, तो पता चल जाओगे। मैं मोहल्ला वालों से कहूंगो कि जब बुरे अंकल जी टेम बोल गए हैं। अरे अंकल जी, जा जानने के लिए कि वो लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा अच्छा, ढक लो ढक लो ढक लो। ये बात आपने बिल्कुल सही है। अबे टीका मेरी जान, पासा आप भी ना। अब देखो भाई, हाँ, वेतन आयोग का वेतन आयोग जाने, भाई हम लोग तो अपना कार्य कर रहे हैं ना। वेतन आयोग अध्यापकों के प्रति कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा हो, क्योंकि मास्टर साहब आप बहुत मोटी मुर्गी हैंगे। एक बहुत बुरी खबर है रही है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं, बुरी खबर सुनाते हो? क्या हुआ लौंडे, बुरी खबर है क्या? वो हमारे भूरे अंकल है ना। भूरे अबे को, अच्छा 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 अच्छा, अंगूरी भाभी के डेडू, वो भूरे। हाँ क्या हुआ? वो भूरे। अरे लौंडे कुछ बोल तो। अरे रोता ही रहेगा कि कुछ बताएगा भी, हुआ क्या है? क्या हुआ क्या? भूरे अंकल तय बोल गए यार। क्या बात कर रही है तू, भोरे अंकल तय बोल गए? यार ये तो बहुत बुरा हुआ, साला वो ठरकी बुड्ढा। अब मैं गुल्लू को क्या जवाब दूंगा यार? गुल्लू के बार बार फोन आते हैं कि उस भोरे डोकर ने 100 प्रोग्राम उधार में देख रखे हैं, अब वो पैसे कौन देगा, क्योंकि ठरकी बुड्ढा तो तय बोल गया यार। अबे ओ टिल्लू, तू उस गुल्लू की बात कर रहा है? अरे उस बड़ऊ ने तो उसकी छोटी बहन बदामी को भी नहीं छोड़ा। हाँ मतलब? मतलब ये कि बदामी के भी 10 प्रोग्राम के पैसे निकलते हैं, पूरे 5,000। लेकिन एक बात बताऊं लौंडे, ये जो भूरे अंकल थे ना, ये थे तो बहुत बड़े अय्यास। उसके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं। अरे मास्टर साहब, आप संस्कार की बात कर रहा हो, कसम खा के कह रही हूँ 100,000 ठरकी मरे होंगे तब जाके वो बड़ा पैदा हुआ होगा। एक नंबर का लीचड़, बदतमीज, बेशरम, या यूं कहूँ कि इस धरती पे बोझ था वो बुड़ाऊ।
देख लिया तुमने, देख लिया तुमने, ये इज्जत है मोहल्ले वालों के दिल में मेरे लिए, देख लिया तुमने, कहा था ना मैंने मुंह पे कुछ पीछे कुछ। अंकल पहले अंकल पहले तो हाथ जोड़ के माफी चाहेंगे कि हमने आपके साथ बदतमीजी कर ली, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, दरअसल बात ये थी कि हमने ना टीका की और आपकी बातें चुपके से सुन ली थी। अरे हम सब मिलके आपकी फिरकी ले रहे थे। अरे अंकल आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप तो संस्कारों की चलती फिरती दुकान हो। बहुत प्यार करते हैं हम लोग आपसे, बहुत प्यार करते हैं। मेरे अंकल, मेरे अंकल, मेरे अंकल, अरे क्या कर रहे, कहाँ घुस रहा है यार, कहाँ घुस रहा है, खुशी खुशी हो रही है, मतलब प्यार करते हो, मतलब कहीं भी घुस जाओगे। डॉक्टर डॉक्टर बैठ, बहुत प्यार करते हैं ना आपसे। चलो आज मैं मरने से बच गया।